जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और बिहार मद निषेध सिपाही की नई भर्ती के लिए लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर करने के लिए आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करें। तो देखिए, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्द पतझड़ वन पाए जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध लैगून झील जिसका नाम है चिल्का, ये किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए, प्रसिद्ध लैगून झील जो कि खारे पानी की झील है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज जीके जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग 3 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ये एक यूनानी शासक था, सॉरी यूनानी यात्री था, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इनकी एक पुस्तक है, पूछा जाता है इंडिका जो पुस्तक है, ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बोमडिला दर्रा जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा दीफू दर्रा, यांगयाब दर्रा, ये सभी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्रा को ही तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और ये भारत में किससे होकर प्रवेश करती है? तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर जितने भी क्लास होते हैं सभी क्लास के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोगों को सभी क्लास के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो ये कौन सा ऊतक है? एपिथेलियमी ऊतक ये घाव भरने में सहायक होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए, आप लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ये क्या है? डोब्रेनर ने। बी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय संविधान कैसा है? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो भारतीय संविधान कैसा है? सही जवाब है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है?
तो देखिए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये भारत का महान्यायवादी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक किया करें। तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुई थी, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो 13 का राइट आंसर है संसद की नियम समिति के सिफारिश पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवाद के मुख्य अधिवक्ता कौन थे? चलिए 15 के लिए आप सभी फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब है मुसोलिनी फांसीवाद के मुख्य अधिवक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है रूसो की शिक्षा ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। देखिए आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? रेड क्लिप लाइन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मैकमोहन लाइन ये भारत और चीन के बीच है। मैगिनॉट लाइन ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो देखिए ऐसे तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान देश के साथ है। कितना है? तो 106 किलोमीटर है, लेकिन आपको आंसर जो बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भूटान हो जाएगा। और सबसे अधिक आप सभी जानते हैं बांग्लादेश के साथ है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए बात करें भारत में सबसे लंबा बांध तो कौन सा है, हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो देखिए सलाल बांध जो है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर है 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? और फ्रेंड्स सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका सही जवाब है दिल्ली, ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये यमुना के तट पर स्थित है। बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए बात करें बायोमा जलप्रपात तो ये जैरे नदी पर स्थित है, जिसको कांगो भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे, आपको तापमान के अकॉर्डिंग बताना है। देखिए दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि का वेग का, लेकिन तापमान पर प्रभाव पड़ता है, इस बात को आप लोग नोट करेंगे। तो देखिए तापमान पर क्या होता है, तापमान के घटने से ध्वनि का वेग भी घटता है।
डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन दाब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? चलिए आंसर करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में संविधान के आर्टिकल 352 में बताया गया है, 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है, और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ये लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। लगभग 21 महीनों के लिए ये आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो देखिए, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, और नियमित जनगणना जिसको 10 के आधार पर बोलते हैं 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और देखिए, आप लोगों को लुसेंट की जो क्लास है डेली अटेंड करना है, दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बिहार पुलिस और बिहार मदनिश सिपाही एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में लुसेंट बुक से 35 से 40 प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड केनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन से संधि की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये क्या था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। डी ऑप्शन सही जवाब है। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कलकत्ता और आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल प्रशस्त का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय का। लास्ट क्वेश्चन, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो देखिए, एक होता है कथकली जो कि केरल का है, और कथक जो है ये उत्तर भारत का है। राज्य पूछे तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में लुसेंट बुक से 35 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया गया। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें।